हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो क्या कहते हैं, आज हम लोग की न्यू नई वीडियो में स्वागत है, जो कि एक पॉकेटीवर बैटल है बिटवीन पॉकीमॉन गुरुजी एंड एलजे पॉकीमॉन। आज हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में से बेस्ट कौन है। दोनों ही बराबर के पॉकेटीवर्स हैं, देखते हैं इन दोनों में बेस्ट कौन है। और हाँ, हमारी पॉकेटीवर बैटल प्लेलिस्ट में जाके बाकी पॉकेटीवर बैटल भी देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलो अब बिना देर किए मैं इंट्रो लगाता हूँ और वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक लेंगे हमारी पॉकी त्योहर बैतल में, वो होगा सब्सक्रिप्शन, जो कि काफ़ी मेन माना जाता है। अगर पॉकीमॉन गुरु जी की बात की जाए तो उनके रिसेंटली हुए हैं 3,675 सब्सक्रिप्शन, और अब एलजे पॉकीमॉन की बात की जाए तो उनके रिसेंटली हुए 3,455 सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ सब्सक्रिप्शन के वाले पॉकीमॉन गुरु जी आगे हो गए मैच में और मुकाबला हो गया 0-1 पे। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइम टेकन टू रीच दिस पोजिशन, यानी कि कितना टाइम लगा उन सबको इतना सब्सक्रिप्शन कमाने में। एल जे पॉकीमॉन की बात की जाए तो उनको उनने अपना चैनल शुरू किया था 22 मार्च 2018 को, और वहीं पॉकीमॉन गुरु जी की बात की जाए तो उन्होंने अपना चैनल शुरू किया था 8 मार्च 2019 को। तो दोनों में 1 साल का अंतर है। एल जे पॉकीमॉन 1 साल बाद पहले आए थे और तब भी सब्सक्रिप्शन के मामले पीछे। तो यहाँ पे तो यार पॉकीमॉन गुरु जी को एक और पॉइंट मिलेगा, क्योंकि इन्होंने इतना तेज़ी से ग्रो किया और मुकाबला हो गया 0-2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है होगा हमारा कंटेंट, यानी कि उनके आइडियाज़ जिस पे वो क्या कहते हैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। एल जे पॉकीमॉन की देखा जाए तो इनके आइडियाज़ यूनिक हैं, देख सकते हैं हम लोग क्या कहते हैं स्क्रीन पे जैसे। और वहीं पॉक पे क्या कहते हैं पॉकीमॉन गुरु जी की बात की जाए तो क्या कहते हैं उनके आइडियाज़ भी यूनिक है, लेकिन कुछ कुछ आइडियाज़ काफ़ी कॉमन है जो हम लोग ने अभी अभी स्क्रीन पर देखा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिसाइड करना मुश्किल होता है कि कौन बेहतर है, लेकिन बस दोनों के आइडियाज़ ही यूनिक के बस, किसी के ज़्यादा अच्छे हैं तो किसी के थोड़े कम हैं, लेकिन पॉकीमॉन गुरु जी के थोड़े कम हैं, इसी कारण एल जे पॉकीमॉन को 1 पॉइंट मिलेगा और मुकाबला हो गया 1-2। तो यहाँ पे मैच तो जा चुका है पॉकीमॉन गुरु जी के हाथ में और उन्होंने ये मैच जीता है, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं और दोनों में से हम जज नहीं कर सकते कि कौन बेस्ट है और कौन नहीं है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कीजिएगा प्लीज़। ये वीडियो ख़त्म हो चुकी है और अब तक के लिए गुड बाय।